ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ ਕਹਿਮਰਾ ਲਾਇਆ ਏ ਅਤਾ ਉੱਲਾ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਏ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنَا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذل جلال واسطے، ہر قسم دی تسبیحات تمجیدات اللہ مالک الکائنات واسطے، درود و سلام دے لئی آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جگاں دے پیر رب دے حبیب خیمہ دے ویر بدر منیر ساقی کوثر شافی محشر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر الاولا منبع رشد و ہدا صاحب کعبہ قوسین او ادنا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد رسول اللہ، سارے دی آواز نہیں آئی صلی اللہ ہو، پھر ایک بار کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، لکھاں کروڑاں انگن لات داد بے شمار درود و سلام دی بارش نازل ہوئے۔ صاحبو اور میرے عزیز ساتھیو، اج دا اس مرکز آفتاب الاسلام دے اندر عظیم و شان فقید المثال خطبہ جمعہ المبارک اسی پڑھن واسطے اس مسجد اندر حاضر ہویا، میں دعا کرنا اللہ میرا تواڈا سب دا مل بیٹھ کے قرآن سننا سنانا اللہ مقبول فرما کے ساڈے سارے دے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ چونکہ میں پہلے بھی کہا کرنا کہ مسجد اندر اس نیت دے نال آیا کرو کہ جڑے پورے 8 دن گناہ کیتے نے اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ ویسے تے حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے کہ جڑا بندہ ایک جمعے تے دوسرے جمعے تک گناہ کردا اللہ معاف کر دیندا جمعے دی برکت دی وجہ تو، رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک جنے گناہ ہندے نے اللہ پاک روزے رکھن دی وجہ تو گناہاں نوں معاف کر دیندے نے۔ اور ایک ہور میں حدیث پڑھی ہے، میرے آقا فرماندے نے ایک عمرہ یا حج کر کے بندہ جدوں ہوندا ہے
फिर जिंदगी दे अंदर जिन्ने गुनाह हुंदे ने, जो बंदा हज उमरा करके आंदा है, हज उमरा करन दे वजह तो अल्लाह सारे दे सारे गुनाहों नूं माफ कर देंदे ने। मस्जिद के अंदर इस नीयत दे नाल आया करो कि कुरान सुनना और अपने गुनाहों की मुआफ़ी अल्लाह सुब्हान जलाल दे कोलों मंगनी है। और हदीस पाक के अंदर आता है कि जेड़ा बंदा खलूसे नीयत के नाल मस्जिद के अंदर बैठ के कुरान सुनता सुनांदा अल्लाह पाक दी रहमत जोश के अंदर आ जाती है और फरिश्ते जड़े ने नाम लिख के लै जाते ने, पता लिख के लै जाते ने, फलां बंदा आया सी, फलां बंदा आया सी, फलां बंदा आया सी। भाई इरफान से सामने आ जाओ, फलां बंदा आया सी, सारे दे गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। और अज दे इस अजीमो शान खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर मैं जड़ी गल तुहानू दसनी चाहना और जड़ा मैं अज बयान करना चाहना, बड़ी तवज्जो दे नाल सुनोगे तो इंशाअल्लाह तआला तुहाडे गुनाह झड़ जाणगे और अल्लाह पाक दीआं रहमतां हो जाणगीआं और अल्लाह पाक दी करम नवाजी हो जाएगी इंशाअल्लाह तआला। अल्लाह पाक दी रहमत दे नाल मैं जिहड़ी गल दसनी चाहना कि आओ लोगो नबी दे लड़ लग जाओ, आओ लोगो नबी दे लड़ लग जाओ। जड़ी जड़ी चीज़ जड़ा इंसान मेरे नबी दे लड़ लग गया सी ना, इंशाअल्लाह तआला पूरे वसूक दे नाल मैं इस बात का ऐलान करना कि वह क्यामत तक उनका चर्चा हुंदा रहेगा, क्यामत तक लोग उन्हें याद करते रहेंगे, क्यामत आ जाएगी उनका चर्चा हुंदा रहेगा। बंद कर दो स्पीकर, उनका चर्चा हुंदा रहेगा जेड़ा नबी दे लड़ लग गया है। मैं दुआ करना हे अल्लाह सानू सारिया नू अपने नबी दे लड़ ला दे, आमीन ते कह दियो, ठंडी जी आमीन कही जे, हे अल्लाह सानू अपने नबी दे लड़ ला दे। और जेड़े जेड़े लड़ लग गए फिर उन्हां दा नाम पैदा हो गया है, वह मर के भी फिर नहीं मरे, खत्म हो के भी नहीं खत्म होए। आओ मैं कुरान पाक पढ़न लगा, इनके अंदर मेरे अल्लाह सुब्हान जलाल ने मेरे नबी का तज़करा किया है। जनाबे आदम नू किया, जनाबे नूह नू किया, जनाबे यूनुस नू किया, जिन्ने भी नबी ने, जिन्ने भी पैगंबर ने, जिन्ने भी रसूल ने, इन्हां सारिआं नू इक्को ही गल कही है, इक्को ही बात कीती है। और पहले नंबर से मैं कुरान पाक की आयत पढ़न लगा, एक जगह से अल्लाह सुब्हान जलाल ने अपनी शान बयान की, अपनी तौहीद बयान की। और तुहानू इस बात का बड़ा चंगी तरह याद होएगा कि जिथे जिथे अल्लाह सुब्हान जलाल का नाम हुंदा उत्थे सोने मुस्तफा का शान बयान हुंदा। तुहानू इस बात का इलम है, आओ अल्लाह सुब्हान जलाल दे कुरान नू पढ़िए और अपने ईमान के अंदर इजाफा करके लै जाइए। कुरान सुन और अपने सीने के अंदर ठंड पा के लै जा। अल्लाह सुब्हान जलाल फरमांदे ने वा इज अखद रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुरिम ज़ुर्रियतम व अशहदहुम अला अन्फुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ। اللہ عزوجل جلال نے اس قرآن پاک دی آیت دے اندر او جن بھی انسان نے जिन्हें भी इंसान पैदा हो के क्यामत तक पैदा होने वाले ने इन्हां सारियां दे कोलों अल्लाह पाक ने वादा ले लिया कि मैं तुहाडा रब हाँ के नहीं, इन्हां सारियां ने वादा कर लिया। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना
ए अल्लाह तू ही साडा रब है, तू ही तियां पुत्र देन वाला। ओ दूसरी आयत मुबारका दे अंदर अल्लाह सुजलाल ने मेरे नबी दी अजमत बयान की। लो कुरान दे कुरान, घर जाके तर्जमे वाला कुरान लैके पढ़ लियो जे। मुहब्बत ना कुरान सुन, खिलखिला के सुभान अल्लाह कहेगा, तेरे गुनाह चढ़नगे और फरिश्ते लेके के ले जाएंगे। और मेरे अल्लाह सुजलाल ने मेरे नबी दी गल कर दी आलमे रवा दे अंदर। मेरे अल्लाह फरमांदे ने नबी आदम जी, ऐ नबी नूह जी, ऐ नबी ज़करिया जी, ओ सारे दे सारे मेरे नबी दे लड़ लग जाओ, ओ सारे दे सारे मेरे नबी दे गुलाम बन जायो जे, ओ सारे दे सारे मेरे नबी नू नबी मान लियो जे। ए नबीओ, अगर तुसी मेरे नबी दे लड़ नहीं लगोगे, अगर मेरे नबी दे आखे नहीं लगोगे, तो मैं तुहानू फासकां दे अंदर लिख दवांगा, मैं गुनाहगारां दे अंदर लिख दवांगा। ए अल्लाह, मैं दुआ करना अल्लाह सानू सारियां नू अपने नबी दे लड़ ला दे। ते बाबा जी आंदे ने, जो लड़ लगियां सो तर गईयां, ओ पार सलामत ओ गईयां, ओ जिसने कीती ना फरमानी, कम कीते मनमानी, ओ कद पार सलामत गई घर कोइयां विच पानी। आओ लोगों टिकट खरीदो, खड़ा जाज मुहम्मदी, ओ फिर ना कहना खबर न होई, सुनो आवाज मुहम्मदी। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका आलमे रवा दे अंदर ही इन्हां दे लड़ लग गए। जनाबे आदम ने, जनाबे नूह ने, जनाबे ज़करिया ने कह दिता, ए अल्लाह जदों तेरा नबी साडी जिंदगी च आ गया, असी उहदे वफादार बन जावांगे, असी ईमान लै आवांगे। आओ ना, मेरे आका दुनिया ते आए ने, मेरे आका अली सलातु वसलाम दुनिया ते तशरीफ ले आए, अब्बा जी फोत हो गए ने, जनाबे अब्दुल्ला दुनिया तो चल गए, बीबी आमना दे घर पैदा होंदे ने, ते मेरे आका अली सलातु वसलाम दे घर दे अंदर एक दाई आउंदी है मुड़ जाती है, दूसरी दाई आती है मुड़ जाती है, वो तीसरी दाई आती है मुड़ जाती है। मैं सदके जावा कुर्बान जावा, नी अम्मा हलीमा तेरी अजमत तो, वो तेरी शान तो, तेरी सदाकत तो, ए अम्मा हलीमा तेरे मुकद्दरां तो मैं कुर्बान जावा। अम्मा हलीमा ने दरवाजा खड़काया, अंदरों आवाज आई, कौन दस्या? मैं हलीमा, किधर आई है? मैं बच्चा लैन वास्ते आई हाँ, मैनू पता लगा होया बेटा, लेकिन है यतीम, लेकिन सारी कायनात तो बद के हुसीन। कह दियो सुभान अल्लाह,
है यतीम लेकिन सारी कायनात बद के उसीन है बच्चा लेकिन भावे फिर की होया जे उनका बाप दुनिया से कोई नहीं अम्मा जी हलीमा हाँ जी मेरे आका अली सलात व सलाम नू मेरे आका नू अपनी गोद अंदर ले लिया सिर नगारा लिखिया हाई साहब सीरत नगारा लिखिया है कि अम्मा जी फरमांदियां ने जो मैं अपने सोने बेटे नू चुकया अपनी झोली दे अंदर पाया ते अम्मा जी कहंदियां ने बड़ी दूरों आई सा आका अली सलात व सलाम नू झोली दे अंदर पाउण दी वजह तो अल्लाह पाक ने मेरिया सारिया ठकावटें दूर फरमा दित्तियां अम्मा जी मेरे आका दे लड़ लग गईयां अम्मा जी मेरे आका दे लड़ लग गईयां ते अल्लाह तुल जलाल ने वेखो किन्नियां शाना अता कर दित्तियां अम्मा जी फरमांदियां ने मैं सोने बैठे नूं मैं झोली च पाया ते मैं लैके बाहर आई ना ते मेरा खामद जिहड़ा ना खामद उह कहण लगा की लैके आई है दसिया है बेटा है यतीम है लेकिन कुल कायनात तो वध के हुसीन है ते जनाब ये जड़ा अम्मा जी हलीमा दा खामत जड़ा ना इन्हें फड़ लिया ते इंज लैके डाची दे बह गए ते डाची जड़ी बड़ी बीमार सी बड़ी कमजोर सी ये डाची भी मेरे नबी दे लड़ लग गई ए कुरान मेरे हाथ बेच जे मैं मिंबर ते बैठा ओ क़यामत आ जाएगी लेकिन इस डाची दा तज़करा हुंदा रवेगा बीबी हलीमा दा शान बयान हुंदा रवेगा वो जेड़ा मेरे नबी दे लड़ लग गया वो अजमत पा गया वो दुनिया दे अंदर भी शाना मिल गईया आखरत भी शाना मिल गईया ते अम्मा जी दी डाची बड़ी स्पीड दे नाल जा रही है बड़ी तेजी दे नाल जा रही है ते जड़ियां दूसरियां दाइया ने इन्हां वेख्या कि हलीमा तेरी दा डाची एड्डी तेज क्यों आ रही है नी हलीमा इन्नी तेज डाची नूं क्यों दौड़ाई जानी है केड़ी दुनिया दौलत कमाई जानी है ते अम्मा जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिता जे कसूर दे रहन वाले हो ओ कुड़ियां दे रहन वाले हो अम्मा जी आंदियां ने जिन्नू छड्ड दिता तुसां ने हाय 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 ओ मेरे नबी दी अजमत मेरे नबी दी ओ जिन्नू छड्ड दिता तुसां ने हकीर जान के ओ जिन्नू छड्ड दिता तुसां ने यतीम जान के ओनू चुक ले मैं दिलांदा हकीम जान के ताइया ही ते मैं डाची नू मैं दुड़ाई जानी हाँ ये दुनिया की दौलत कमाई जानी हाँ ये आंदियां ने हलीमो होया कि अम्मा जी आंदियां ने अब्दुल्ला दे घर विचों मैनू एक अब्दुल्ला दे घर विचों मैनू बच्चा बेमिसाल लभिया अब्दुल्ला दे घर विचों मैनू बच्चा बेमिसाल लभिया आमना दी गोदी विचों मैनू एक लाल लभिया ताइया ही ते मैं डाची नू मैं दुड़ाई जानी हाँ ये दुनिया की दौलत कमाई जानी हाँ ते मैं तो फिर इस तरह अकीदत और मुहब्बत का इजहार करता रहना वा और इंशाल्लाह तआला जब तक मुँह के अंदर जुबान है और जब तक जिद के अंदर जान है मैं कहता रहांगा हलीमा मैं तेरी सुआदत तो सदके सोने मदनी दा झूला झूलांदी रही क्यामत आ जाएगी अम्मा हलीमा तू नबी दे लड़ लग गई तू मेरे आका दियां खिदमतां कीतियां क्यामत तक तेरियां शाना बयान हुंदियां रहणगियां अम्मा हलीमा हलीमा मैं तेरी सआदत तो सदके सोने मदनी दा झूला झूलांदी रही है ओ या रब्बी अब किलाना मुहम्मद फरमा के तुशी मानु लोरी सिखांदी रही है जे रुसिया भी होसी जिवें तुहाडे साडे बच्चे बचपन दे अंदर रुस पैंदे ने इस तरह हो सकदा मेरे आका भी नाराज हुंदे होण जे रुस जे रुसिया भी होसी सदाकत ते नाले तुसी ने नल लाके मनांदी रही है हलीमा मैं
तेरी सआदत तो सदके सुन मदनी दा चूला चुलांदी रही है ते गल सुन लबां दे उते ओ लब लगा के लबां दे उते तू लब लगा के प्यार और मुहब्बत नाल गुल गुना के तू ऐसे नशे भी पुछांदी रही है हलीमा मैं तेरी सआदत तो सदके सुने मदनी दा झूला झूलांदी रही है मेरे आका दी अजमत मेरे आका दा शान मेरे आका दा मर्तबा तू उंगली तो फड़ के महली मानू की पता सी जड़ी उंगली तो फड़ के मेरे आका नू बेड़े दे अंदर तुरन दी मेरे आका नू चलन दी चलन दा जा दस दी तुरन दा बल दस दी महली मानू की पता सी इस उंगली दा जिक्र रब दे कुरान च आ जाना महली मानू की पता सी इस उंगली दे नाल थुक कड़िया लब कड़िया कईयां बीमारियां नू शफा दे दवेगा तू उंगली तो फड़ के तू वेड़े दे अंदर तू उंगली तो फड़ के तू वेड़े दे अंदर रब दे सजन नू तुरांदी रही है अम्बा हलीमा मेरे आका दे लड़ लग गई ए अल्लाह सानू सारिआं नू नबी दे लड़ ला दे आमीन कह दियो जिहड़ा नबी दे लड़ लग गया नमाजी भी बन जाएगा वो गुनाह तो भी बच जाएगा माँ बाप का खिदमत गुजार हो जाएगा वो नहीं ना समझ लगी आना मैं आका दी अजमत इस तरह बयान करना इस तरह आका दी शान बयान करना मेरे आका ले सलात व सलाम मक्के दे अंदर पैदा होए ते मक्का मेरे नबी दे लड़ लग गया वो मेरे आका मदीने दे अंदर आराम कर देने पे ते मदीना भी मेरे नबी दे लड़ लग गया वो मक्का भी लड़ लग गया मदीना भी लड़ लग गया मक्के दियां आत्मतां क्यामत तक बयान हुंदियां रहणगियां ओ मदीने दियां भी शानां बयान हुंदियां रहणगियां मदीने नूं अजमत मिली है ना मेरे आका अली सलातु वसलाम दे पारों मेरे आका जदों मदीने दे अंदर गए ते अल्लाह सुल जलाल दी कसम है मदीने नूं लोग नहीं सी जानदे मदीने दी एड्डी अजमत कोई नहीं सी एड्डी शान कोई नहीं सी ते जदों मेरे आका ने मदीने दे अंदर मस्जिद नबवी बनाई है ते अल्लाह जुल जलाल ने ऐलान करके फरमा दिता ऐ मेरे नबी जिथे तेरा हुजरा है ओ जिथे तेरा मिंबर है ओ जिथे तेरा हुजरा है इंदे दरमियान दे अंदर जेड़ी जगह है अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ओ जन्नत मैं बना छड़ी है ओ जन्नत है जन्नत जन्नत मां मिंबई ना पई थी व मिंबरी रौजा तुम मिर आजिल मिंबर तो लाके मुसल्ले तक हुजरे तो लाके मुसल्ले तक जिन्ना टोटा ये सारा जन्नत है ये क्यों बनया मेरे आका दे सजदा करन दी वजह तो मेरे आका ले सलातु वसलाम दे उत्थे रहन दी वजह तो और मैं कह देना चाहना अल्लाह ले चल शहर मदीने नू असी वेखिए जाके बाग बहारा नू कह दियो आमीन अल्लाह सारिआं नू ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅੱਲਾ ਲੈ ਚੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਰੰਗ ਲਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬਾ ਲੈ ਚੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਦੀਕ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਦੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਦੀਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਫਰੂਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਜਨਾਬੇ ਸਦੀਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਆਏ, ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਮੁਕਤਸਰ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਰੇ ਸ਼ੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਗਾਰ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਰ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਜਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਖਰਾ ਜਾਉਲਾ ਸੀਨਾ ਕਾਫਰੂ ਸਾਨੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮਾਫਿਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹੋਜੇ ਕੋਸਰ ਤੇ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਰ ਯਾਰ ਸਦੀਕ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਰੀ। ਜਿਹਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਰ ਯਾਰ ਸਦੀਕ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਰੀ, ਹਿਜਰਤੀ ਮੰਜ਼ਲ ਪਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਰੀ। ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਕਿਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆਕਾ ਜਾਣੇ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਰੀ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਜ ਗਏ ਪੈਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਐਂਡ ਕੰਧੇ ਕਿਸ ਲਈ ਮੇਰੇ, ਆ ਬਣ ਜਮਾ ਤੇਰੀ ਅਸਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜੇ, ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਹ ਕਰ ਯਾਰ ਸਦੀਕ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਰੀ। ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਸਦੀਕ ਉਠਾਵੇਂ, ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ, ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਸਦੀਕ ਉਠਾਵੇਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਸਦੀਕ ਉਠਾਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਮੀਲ ਚੜ੍ਹ ਸਾਂ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਰੀ। ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਸਾਂ, ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਸਾਂ,
मैं लगियां तोड़ न पासा मैं सदके लख लख वारी साड़ी असलां तो है यारी ए मेरे अबू बकर ने मेरे आका दे लड़ लग गए अल्लाह पाक ने इनिया शाना दे दितियां अल्लाह पाक ने ना मुकाम दे दिता ओ चलदियां 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 रास्ते दे अंदर उम्मे मापत दा एक मुकाम आ जांदा ए उम्मे मापत जड़ी है ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਏ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਮੇ ਮਾਪਤਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਮੇ ਮਾਪਤਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਇਹ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਬੰਨੀ ਏ ਇਹ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਏ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਬਾਂ ਜੇ ਤੋਕੜ ਹੋ ਗਈ ਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਚੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਅੰਮਾ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੰਮਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਹਵਾਨੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ 2-3-4-5 ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਓ ਨਬੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਬੀ ਅਕਾਨੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੰਬੂ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਉਮੇ ਮਾਬਤ ਉਸ ਨਾਮ ਬਤਾਇਆ ਉਥੀ ਮਸਕੀਨ ਜ਼ਨਾਨੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਤੰਗੀ ਫਾਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਤੰਗੀ ਫਾਕੇ ਬਰਕਤ ਸ਼ਾਹ ਅਬਰਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪੀਵੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਿਸਾਲ 18 ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 16 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਦ ਫਜ਼ਲੋਂ ਖਾਤਰ ਨਬੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ ਬਰਤਨ ਜਿਤਨੇ ਭਰ ਗਈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੀ ਕਰ ਦੁੱਧ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਥੋਂ ਰਾਈ ਉਹ ਘਰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੌਲਤ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਈ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਫੀਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਘੂਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜਿਆ ਜਨਾਬ ਸਫੀਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਸਫੀਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ
वो गल सुन ल, कन खोल के गल सुन ल, अखा खोल के मैनू तक ला तो वेख ल, मैं आम बंदा नहीं हूं, मैं ते मक्की मदनी सरकार दा प्यारा जा गुलाम। सीरत नगारा लिखी हदीस पाक दे अंदर आउंदा इन्नी गल कीती, ये शेर जेड़ा जल्दी दे अंदर कदमा दे अंदर बह जांदा, ये भी मेरे नबी दे लड़ लग गया, इन्हें मेरे नबी दे यार दी खिदमत कीती। ते बाबा जी आंदे ने जिस दम शेर उठाया पंजा ओ ताकत रही ना काई, मैं असहाब रसूलुल्लाह दा बस इतनी बात बताई। सुबहान अल्लाह जिस वेले सोना नाम बताया, उल्टा शेर सलामी हो कर वल कदमा दे आया, इतना अदब दरिंदे कीता सुनकर नाम ग्रामी, जल्दी सारे कदमां दे विच रखिया ओ जिवें मरीद सलामी। ए मेरे आका दे शेर भी लड़ लग गया, और मैं दसना चाहना वा ओ 30-35-36 साल हो गए ने मेरे अलामा ते यजदानी नू, अज भी लोग याद करते ने, और अल्लाह सुल जलाल दी कसम क्यामत तक याद करते रहनगे। ते मेरा अलामा धमाका लाहौर दे अंदर होया, जगह मिली है जन्नतुल बकी दे अंदर, अल्लाह तुहानू सानू भी वो जगह नसीब कर दे। 35-36 साल हो गए ने अजे भी लोग याद करते ने, और मैं ते फिर कहा करना वा मुमताज हुसैन कादरी, वो मेरे नबी दे लड़ लग गया, उन्हें भी मेरे नबी दे दीन दी खातर, वो मेरे नबी दी इज्जत और अजमत दी खातर अपने तन मन नू कुर्बान कर दिता, वो भी मेरे नबी दे लड़ लग गया, वो क्यामत तक इन्हां लोगों का जिक्र हुंदा रहेगा, वो क्यामत तक लोग याद करते रहेंगे, वो क्यामत तक लोग दुहाइयां देंदे रहेंगे। और मैं ते कहा करना वा मेरे नबी दे बारे क्यों हर बंदा, हर कोई मुसलमान, हर कोई आले हदीर, हर कोई बरेलवी सोल वर्दी, हर बंदा मेरे नबी दे क्यों कुर्बान होने वास्ते तैयार है? और जे मेरे आका मक्के च जान कुरान बन जाए, जे मदीने च जान कुरान बन जाए, बीवियां च बैठन कुरान बन जाए, बदर च जान कुरान बन जाए, ओहो च जान कुरान बन जाए, दोस्तों च बैठन कुरान बन जाए, नमाज पढ़न कुरान बन जाए, गारे हरा दे अंदर जान कुरान बन जाए, गारे शोर दे अंदर जान कुरान बन जाए, वो मेरे आका हजतुल वदा करन कुरान बन जाए, वो मेरे आका उमरा करन कुरान बन जाए, सदका करन कुरान बन जाए, वो मेरे आका मुंह बोलन कुरान बन जाए, और मेरे आका जुल्फा खोलन रब दा कुरान बन जाए। ऐसे वास्ते दे हर बंदा मेरी आका तो कुर्बान होने वास्ते तैयार है, हर कोई फिदा है बिन देखे ओ दीदार का आलम। उंगली अंद खड़ी करके शहादत दी ए जुमला तुसी बोलना है, पई 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 जंदर कैमरे वाले कैमरा मार दे, दोस्तों की गवाही पै जाए, हर कोई फिदा है बिन देखे ओ दीदार का आलम, क्या होगा ओ जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा, गवाही पै जाए तुहाडी गवाही पै जाए, फरिश्ते लेके लै जाणगे मेरे नबी दी अजमत बारे बोलन, हर कोई फिदा है बिन देखे ओ दीदार का आलम, क्या होगा ओ जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम। एक सिमत उमर एक सिमत अली, एक सिमत उमर एक सिमत अली, अबू बकर इधर उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम, क्या होगा ओ खाई है कसम खुद कुरान, असहाब के दौड़ते घोड़ों की, ओ जब असहाब का ये आलम है, ओ सोनी सरकार का आलम,
क्या होगा। खाई है कसम खुद कुरान अस्हाब के दौड़ते घोड़ों की, जब अस्हाब का ये आलम है सुन सरकार का आलम क्या होगा। मेरे आका अली सलातो वसलाम दी अजमत और मेरे आका दी शान, मैं दुआ करना हे अल्लाह सानू सारियां नू अपने नबी दे लड़ ला दे, अपने नबी दा खादम बना दे, अपने नबी दा नौकर बना दे, अपने नबी दा गुलाम बना दे। की वफात उले मुहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है ये लहू कलम भी तेरे है। अकुल को लिहादा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह।